जनों को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान हम सब के आदरणीय प्रमुख साहब, मोल जी, खेताराम जी, प्रधान साहिबा, सामने विराजमान तमाम वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। और इस पूरी पंडाल के अंदर जितने युवा साथी हैं, मैं उनकी मेहनत और उनके जज्बे के लिए उनको सलाम करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय हरीश चौधरी जी बता रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तमाम युवा साथियों का हार्दिक स्वागत। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मुद्दे की बात पर आऊंगा और उस बात पर आऊंगा जिन बातों के लिए बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का सारा युवा लड़ रहा है। वो बातें और वो मुद्दे और वो पार्टी जो इन तमाम युवाओं का भविष्य बनाएगी, जो इनका भविष्य संवारेगी, और वो सारी बातें जो ये बुजुर्ग लेके चलते आए हैं, इन बातों को आगे बढ़ाएगी। सबसे पहले मैं उस शख्स के बारे में बताना चाहूंगा जिनके लिए तमाम युवा घर घर जाकर के मेहनत कर रहे हैं। हम सब के लोक लाडले उम्मेदाराम जी बेनीवाल, वो शख्स जिन्होंने दो चुनाव लड़े बाईतू से हमारे आदरणीय हरीश चौधरी जी के सामने। उस आदमी ने और तमाम बाईतू वासियों ने और हरीश जी ने व्यवहार के अंदर जो शालीनता रखी, वो शालीनता ही है जो इस मंच पर दोनों एक साथ प्रेम से बैठे हैं और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के भाईचारे और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने मारवाड़ की परंपरा बढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच में उम्मीदवार बना करके भेजा है। ये बातें हम युवाओं को सिखाएगी कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ाना और प्रेम को बरकरार रखना है। कुछ बातें मेरे उन उम्मीदवारों के लिए जो गंगाधर और शक्तिमान बनकर के साथ में घूम रहे हैं, एक ही पार्टी की विचारधारा के हैं, बस एक आता है कि साहब मोदी जी के नाम पर वोट दे दो, एक आता है कहता है साहब लाठे रह के वोट दे दो। जाएंगे वो एक ही झोली पर जिसने शिव के लोगों को बरगलाया, वोट लिए और समझौता कहां करने गया, जयपुर और दिल्ली के अंदर, उस पार्टी से जिस पार्टी के खिलाफ वोट लिए। उन युवाओं को झूठे सपने दिखाए जो युवा बीजेपी की सरकार से त्रस्त है। हमारे बीच में आदरणीय हेमाराम चौधरी जी आए, हम सबके सम्मानीय इस मारवाड़ के गांधी, आदरणीय हेमाराम जी का बहुत स्वागत रहेगा। सारे साथियों से गुजारिश है, हम सबके मेहमान हमारे बीच में पधार चुके हैं, वो बात रहेगी हमारे 10 साल के जो कार्यकाल इस बीजेपी पार्टी को दिया, उनके कामों को लेकर के। उन कामों के बारे में तो हमारे स्थानीय सांसद महोदय बता चुके हैं हमको कि मेरी गलती हो तो उसे माफ कर देना, लेकिन अब जैसे तैसे मोदी जी के नाम पे वोट दे दो। अब हमारा प्रतिनिधित्व हमने मोदी जी को सौंपा था या हमारे स्थानीय सांसद जी को सौंपा था? हमारा जो प्रतिनिधित्व था वो हमारे सांसद महोदय के माध्यम से हमने दिल्ली तक सौंपा था, लेकिन 5 साल के अंदर आप बाथासर के कोने से लेकर के कल्याणपुर तक और इधर ऊंडू तक और सारे क्षेत्र के अंदर देख लीजिए, एक काम उनके पास गिनवाने के लिए नहीं है कि मैंने ये एक काम किया है, इस एक काम के ऊपर भी मेरे को वोट दे दो। क्यों वोट खराब कर दें हम, हमारे 5 साल क्यों खराब कर दें जिस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया? एक युवा साथी कभी खुद को अंबेडकरवादी बताता है, कभी खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताता है, कभी पर्दे के पीछे भगत सिंह के फोटो लगाता है। उन नेताजी से पूछना चाहता हूं कि जब आप जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष थे, तब एक हॉस्टल का नामकरण सही भगत सिंह के नाम हुआ था और इन्हीं नेताजी ने अपना लेटर लिखा, आंदोलन चलाए कि भगत सिंह के नाम उस हॉस्टल को मत कीजिए। क्या इस बात पर ये युवा उनके साथ में खड़े रहेंगे?
जिन्होंने अपने नामांकन के अंदर 40 मिनट के भाषण में केवल और केवल स्थानीय नेताओं पर तंज कसे, उनके बारे में झूठ बोला, उनके लिए अनाप शनाप बातें करी, जिन्होंने अपने नामांकन के दिन भी बाढ़ में जसवंत बालोत्रा की जनता को यह नहीं बताया कि मेरा विजन क्या है, मैं आपके बीच में अगर आप मेरे को चुनोगे तो मैं काम क्या करूंगा। जिस व्यक्ति ने ये बातें नहीं करी, क्या अपन उस आदमी के साथ रह सकते हैं क्या? तो ये बातें युवा साथियों हम सबको ध्यान में रखनी है। आपसे गुजारिश है कि जो रास्ता बुजुर्ग अपनाते हुए आए उस रास्ते को आगे बढ़ाइए, इनका मान सम्मान रखिए, इस मंच को मजबूत रखिए। यही आप सबसे गुजारिश थी। धन्यवाद।